बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस तिथि को ईश्वरी तिथि बताया गया है। कथाओं के अनुसार इस दिन किए गए पुण्य काम का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन ही भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडे ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास चीज़ों का दान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान से न सिर्फ अक्षय पुण्य का प्राप्ति होती है बल्कि किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। कि अक्षय तृतीया को हमारे यहाँ शास्त्र में आया है कि गंगा स्नान करने के बाद जल कुंभ दान यानी घड़े में जल भर करके दान करना चाहिए। उसके बाद व्यंजन आदि अर्थात पंखा वगैरह, पहले बांस के पंखा दान किए जाते थे पहले के समय में, तो धर्मशास्त्री व्यवस्था यह है कि पंखा दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए और अन्न दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन तीन चीज़ों को अन्न का, जल का और पंखे का दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये धर्मशास्त्री व्यवस्था, लेकिन गंगा स्नान करना चाहिए। या भगवान परशुराम की जयंती भी उस दिन है, विष्णु भगवान को यथापूर्वक आराधना करनी चाहिए, विष्णु भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए और अक्षय तृतीया को कोशिश करना चाहिए कि पूरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत कम से कम कोई गलत काम आदमी न करे, असत्य भाषण न करे। इसलिए कि उस दिन कोई पुण्य भी अगर जो आदमी करता है तो उसका क्षय नहीं होता है, माने पुण्य का फल मिलता है। उसी प्रकार से अक्षय तृतीया को यदि आदमी कोई पाप कर्म करता है तो उसका भी क्षय नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया को कोई भी गलत काम, मिथ्याचार आचरण नहीं करना चाहिए, कोई विवाद नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। इसलिए उस दिन बचना चाहिए। कम से कम वर्ष में एक दिन ये जो महत्वपूर्ण व्रत है, इस व्रत का उद्देश्य ही यही है कि पाप और पुण्य दोनों का क्षय नहीं होता है। तो हम पुण्य तो करें लेकिन पाप उस दिन न करें, इसलिए कि उसका भी क्षय नहीं होगा किसी भी सत्कर्म करने से। तो अक्षय तृतीया के दिन हमारे धर्मशास्त्री व्यवस्था यही बताई गई है कि अक्षय तृतीया के दिन नाना प्रकार के अन्न भी दान कर सकते हैं, पकवान भी दान कर सकते हैं, गरीबों को वस्त्र भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को अगर दान करना है तो जल कुंभ दान करिए, कुछ गुप्त दान भी कर सकते हैं। गुप्त दान में जैसे होता है कुष्मांड में या किसी फल में कोई अमूल्य रत्न रख करके भी दान किया जाता है, तो गुप्त दान भी करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्री व्यवस्था है।